नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे को बड़ी जीत मिली है। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने आपातकाल बैठक भी बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, और बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत मिली है। एकनाथ शिंदे को जीत मिलते ही उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। शिवसेना और धनुष वान के छीनने के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी है। इस बार उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला किया है। उद्धव ठाकरे ने आलोचना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से कहना चाहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने यह भी ऐलान किया है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उद्धव ठाकरे, साफ शब्दों में बताते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग का नतीजा आने के बाद आने तक फैसला नहीं देना चाहिए, शायद एक दो महीने में मुंबई नगर निगम के चुनाव हो जाएं। वे मुंबई में भीख मांगकर दिल्ली वालों के दरवाजे पर खड़े होना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना संकट में नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये कि एकनाथ शिंदे को बड़ी जीत मिलती नजर आई है। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे का हो गया है, अब शिवसेना पर पूरा कब्जा एकनाथ शिंदे का है। और उद्धव ठाकरे के हाथ से पहले कुर्सी गई, फिर उसके बाद अब उनके हाथ से पार्टी भी गई, और इसीलिए पूरी तरह से हमलावर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे हार के बाद पूरी तरह से तिलमिला गए हैं, और एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की बड़ी हार मिली है और एकनाथ शिंदे को बड़ी जीत मिली है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी 9 न्यूज़।